हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइडर ट्रेड। पर देखिए, आज मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ पॉजिटिव। देखिए, मैंने चांसेस तो नहीं बताए थे कि ओपन नहीं होगा, पॉजिटिव ओपन होगा, पर हुआ, ठीक है। और मैंने आपको बोला था 36,000 तक अपने को देखने को मिल सकता है, पर मैंने उतना नहीं सोचा था कि वहाँ से रिट्रेस भी हो सकते हैं। वहाँ से ये देखिए, यहाँ से देखिए, पूरा 500-600 के आसपास आ गया। 500 का लो लगने के बाद देखिए, अगर कल है एक्सपायरी, सो प्रीमियम जल्दी से घट जाते हैं, ठीक है, और बढ़ भी जाते हैं। मेन बात ये भी याद में रखना कि बढ़ भी जाते हैं, ठीक है। 500 का लो लगाने के बाद, और मेन बात ओपन कहाँ पे होता है, देखिए, अगर गैप अप ओपन होता है और 650 को और कल निकाल देता है, ठीक है, 35,550 को 600 को निकाल देता है, तो अच्छी लेवल देखने को मिल सकती है हमारे को। और डाउन साइड होता है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो गैप फिल कैसे करता है। वन एक ही 5-15 मिनट की कैंडल बनाएगा, उसके बाद वो आपको ग्रीन होते हुए दिखेंगे या एक तो रेड, ठीक है, गैप अप ओपन हुई तो रेड और गैप डाउन हुई तो ग्रीन दिखेगी। अगर फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होता है और 500 की लेवल निकल देता है, तो आपको 35,200 की भी लेवल देखने को मिल सकती है कल, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी है। प्रीमियम तो बहुत जल्दी कट जाता है, पर आपको कौन सा प्रीमियम बाय कर लेना है, सेल करना है, पता है आपको, ठीक है। एक पी बाय कर लीजिएगा, सॉरी 35,800, ठीक है, इसका पी बाय कर लेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है आपको। और 35,300 का अगर पी बाय कर लेंगे, उसमें भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है।